अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को सन भजी के खाने में खुश आमदी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जनाब बहुत ही जबरदस्त एक सब्जी जो है भिंडी की। बहुत यूनिक तरीके से बनाएंगे हम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं भिंडी। भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 1.5 पाव भिंडी, जिसके मैंने ये पार्ट और ये पार्ट मैंने काट लिया था। और भिंडी को मैंने धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, बिल्कुल ड्राई भिंडी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके कुछ मसाले बनाते हैं। चले, ये लहसुन है, इसको मैंने मोटा मोटा 6 से 7 अदर लहसुन के जवे थे, इसको मैंने क्या करा मोटा मोटा चॉप कर लिया। और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई मिर्ची। पिसी हुई मिर्ची आप अपने टेस्ट में डाल सकते हैं। और यह है आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। इसकी जगह अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जाएगा ये हल्दी 1 टीस्पून। और इसमें अब जाएगा 1/2 नींबू का रस, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसका हम एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना के रख लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छा सा एक पेस्ट बनाएंगे और उसको साइड पे रखेंगे ताकि जब हम अपनी भिंडी बनाए ना तो ये मसाले जो है हमारे फूल जाए। इसको मैं रखती हूँ साइड पर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिए 1/2 छोटी सी प्याज थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। भिंडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। आप पतीली या जो भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैंने 3 से 4 चमचे ऑयल के डाले हैं। आप इसकी जगह घी या सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये डालने के बाद अब हम इसमें अपनी भिंडी डालेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छा सा हम इसको फ्राई करेंगे भिंडियों को। अब मैं इसमें डालेंगे कुछ मसाले। इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर और मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च अच्छा सा कलर आने के लिए, बस। और अच्छा सा इसको क्रिस्पी बनाएंगे। हम यहाँ पर नमक का यूज अभी नहीं करेंगे। और भिंडी आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो इसमें लेस निकलेगा, फिर तो भिंडी का जो सालन है, जो ड्राई भिंडी जो हम बना रहे हैं, वो आपकी सही नहीं बनेगी। देखिए अभी मैंने भिंडी प्लेट में निकाल के रख ली है। अब हम मसाले बनाते हैं। देखिए उसी ऑयल में हमने क्या करना है, अपने बाकी का मसाला तैयार करना है, ठीक है। अगर आपको ऑयल कम लगे या घी जो भी है आप दोबारा डाल सकते हैं। यहाँ पे डालूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर जीरा पाउडर को, तो थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। इसको मैंने बीच में से, देखिए ये बीच में से मैंने काट लिया था, सिर्फ 2 हरी मिर्च डालेंगे और इसको भी अच्छे से कड़कड़ाएंगे। बहुत ही जबरदस्त बनती है सब्जी, तैयार होती है। ये देखिए अब ये है जो हमने छोटी सी प्याज एक चॉप की थी ना, वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको बिल्कुल ब्लैक नहीं करना है, लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, तो फिर हम इसमें मसाला डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना वो वाला। ये देखिए अब ये देखिए लाइट ब्राउन सी हो गई है, उसका कच्चापन भी दूर हो चुका है प्याज का। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था ना मसाले का, ये जो पेस्ट हमने बनाया ना मसाले का, ये हम डाल देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये मसाला हमारा जले, और उसी बॉल में डालूंगी जिसमें मसाला बनाया था ना, उसी बॉल में डाल के थोड़ा सा मसाला पानी डाला ताकि ये भुनते हुए मसाला हमारा जले ना। बस इस मसाले को भूनेंगे जरा सा। देखिए मसाला हमारा अच्छा सा भून गया, ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चमचे दही के, और चूल्हे की जो आंच है वो मैंने कम कर दी है 2.5 बस। और फिर इसके साथ इसको भूनेंगे, इससे क्या होगा जो मसाले वो हमारा जरा थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा बनेगा, जबरदस्त सा। जब भी दही डालें या क्रीम डालें तो चूल्हे की जो आंच है ना वो बहुत सीलो कर दें ताकि दही या क्रीम आपकी फटे नहीं रहे।
अब मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी, लगभग एक चम्मच के बराबर मैंने डाली है कसूरी मेथी। बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। मसाला देखिए आप माशाल्लाह कितना जबरदस्त से बन रहा है ना, बहुत जबरदस्त शानदार से खुशबू भी आ रही है। बस इसको हम भूनेंगे। देखिए मसाला बहुत जबरदस्त सा भुन चुका है, बहुत जबरदस्त से खुशबू आ रही है उसका, इसने तो अपना ऑयल है वो रिलीज करना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए कि भुन गया है मसाला। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। जब हमने भिंडी को अपना पकाया था ना, फ्राई तो करना था थोड़ा सा, अब हम इसमें इसको मिक्स करके नमक डालेंगे। अब डालेंगे नमक, पहले सारा नमक नहीं डालेंगे, नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें, इसमें मैं डालेंगे हाफ टी स्पून के बराबर में, बस इसे डालेंगे। नमक डालने के बाद इसको भूनेंगे अच्छा सा। आप देखिए कितनी जबरदस्त लग रहा है ना। देखिए अब नमक डालने के बाद मैंने क्या करना है, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे बेसन, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, और फिर इसको मिक्स कर देंगे। आप ये करके देखिएगा, फिर आपकी भिंडी का टेस्ट देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त भिंडी का मसाला बनके सब्जी बनके तैयार होती है। इसमें मैं बहुत ही मामूली सा पानी डालूंगी, बहुत मामूली सा पानी डालता है इसमें, तो मैं पानी डाली हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, बस इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। वो भी मैंने यूँ डाला है कि मसाले हमारे जले नहीं, और जो चूल्हे की आँच है उसको मैं धीमा करके उसमें हरा धनिया। चलिए अब क्या करना है, बहुत अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, ठीक है, और 2 हरी मिर्च काट के डालेंगे, और जाएगा इसमें अब नींबू का रस, ये ज़रूर डालेगा आप, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है नींबू के रस से ना, और यही नींबू मैं इसके ऊपर रख दूंगी, और ये भी इसके ऊपर इस तरह से नींबू रख देंगे, और उसको कवर करके हम धीमी आंच पे पकाएंगे, कवर करके इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और ये हमारी सब्जी तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी बनके तैयार हो गई, इसकी ग्रेवी तो देखिए माशाल्लाह लग रही है ना ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।